Straight up to our top story, Prime Minister Narendra Modi on Friday lashed out at the opposition and all those who've been criticising the demonetisation move. He went on to say that all those who've been targeting the government over the lack of preparedness are miffed, as they did not get a chance to make any preparations to launder their money. The Prime Minister was speaking at a book launch function in the Parliament House annex in the run-up to Constitution Day on Saturday. इन दिनों भ्रष्टाचार, काला धन, उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई देश लड़ रहा है। देश का सामान्य नागरिक इस लड़ाई का सिपाही बना है। उसको लगता है कि 70 साल तक इसी कानून नियमों का दुरुपयोग करने वालों ने देश को भ्रष्टाचार में डुबो दिया। संविधान कानून का दुरुपयोग करके किया है। इस सरकार के इस निर्णय के संबंध में बहुत कम आलोचना हो रही है, लेकिन कुछ लोगों की आलोचना क्या है? आलोचना ये है कि सरकार ने पूरी तैयारी नहीं की। मैं समझता हूं कि मुद्दा यह नहीं है कि सरकार ने पूरी तैयारी नहीं की, ऐसे लोगों की पीड़ा इस बात की है कि सरकार ने किसी को तैयारी करने का समय नहीं दिया। दुख इस बात का है, अगर उनको 72 घंटे भी तैयारी करने के लिए मिल जाते हैं तो वाह वाह, मोदी जैसा कोई नहीं। कितना बड़ा अहम कदम उठाया, और इसलिए फिर भी इतना बड़ा देश है, निर्णय बहुत बड़ा है, देश का उज्जवल भविष्य देखने वालों से इतनी ही अपेक्षा है। आइए हम सब मिलकर के सामान्य मानवी की कठिनाइयों को दूर करें, इस महायज्ञ में सफल होकर के विश्व के नाम सामने भारत को एक ताकतवर देश के रूप में हम उभारें। सारा देश, दुनिया जब सर्वे होता है कि भ्रष्टाचार की कतार में बहुत अग्रिम पंक्ति में भारत का नाम नजर आता है, भारत को नीचा देखना पड़ता है। हमने गर्व से माथा ऊंचा करना है, और इसलिए फैसले लेने होते हैं और फैसलों का अनुपालन करके सिद्धियां भी प्राप्त करनी होती है। You can watch live TV on our website mbnow.in. Find us on Facebook at facebook.com/magicbricksnow. And don't forget to click the like button. You can also follow us on Twitter at magicbricksnow. To stay updated with all our programming, hit the subscribe button on our YouTube channel by logging on to youtube.com/magicbricksnow.